Gross primary productivity of an ecosystem is primary productivity gross क्या है, ठीक है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या है। तो इसमें देखो नाम से पहले पता कर लेना चाहिए आपको कि प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, कंजम्पशन नहीं है। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्टिविटी कौन कौन सी है, तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं, आप इस दो में से देखना है कि क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि होता क्या है। देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको GPP लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, इस सन से जो भी एनर्जी ली जाती है वो एनर्जी को यूज करके मान लीजिए कोई एक ये प्लांट या फ्लावर है, ठीक है, मतलब प्लांट है और इसने कुछ इस तरह का मतलब ये एनर्जी गेन करता है और मटेरियल बनाता है, ठीक है। तो अब इसने जितना भी यूज किया उसका, ठीक है, तो ये जो भी आया था और इसमें से जितना इसने यूज किया है वो तो हो जाएगा GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसमें से क्या होता है, इस प्रोसेस में दो चीजें हुई, एक तो हुआ रेस्पिरेशन, क्योंकि हम जैसे कुछ भी मटेरियल हमने अपने बॉडी में लिया तो उसमें से काफ़ी चीज़ें तो हम रेस्पिरेशन में डाल देते हैं। वो रेस्पिरेशन जैसे जैसे होता है ऑक्सीजन जाती है और उस फूड को ऑक्सीडाइज करती है और उससे एनर्जी मिलती है और हमारा काम चलता रहता है। तो इसी तरह से प्लांट भी करते हैं, तो ये रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन में कुछ एनर्जी काम ले लेते हैं। बाकी बची हुई एनर्जी जो होती है वो किस में चली जाती है, उसको बोलते हैं NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अभी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, इस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, यानी कि अब ये जो है ये ग्लूकोज कंटेंट है, जो अब क्या है रिमेनिंग रिमेनिंग ग्लूकोज कंटेंट है जो कि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए काम आएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई है, लाइट थी तो फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जब भी होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज से डायरेक्ट जो फोटोसिंथेसिस बनता है, चाहे कंप्लीट वो कितना भी क्यों नहीं हो, वो जितना भी मटेरियल प्रोड्यूस प्रोडक्ट बनेगा वो रेट, उस बनने की रेट जो होती है वो कहलाती है GPP, ठीक है। और इसमें से अगर रेस्पिरेशन माइनस कर दे तो क्या बन जाता है, NPP। तो आप ये भी कह सकते हो GPP इज इक्वल टू NPP प्लस आर, या इसको आप ये भी कह सकते हो NPP इज इक्वल टू GPP माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है, इसके पास ऑप्शन है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। नहीं, ध्यान रखना है कि ग्लूकोज जो होता है वो कैसा है, ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जिसमें कार्बन होता है तो ये ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की बात करें हम, ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म नहीं गलत है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यस ये सही है, तो इसका आंसर यही है। द रेट ऑफ कंजप्शन, नहीं कंजप्शन नहीं हो सकता है, और रेट ऑफ अगला भी कंजप्शन कह रहा है तो ये बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड।